नमस्कार दोस्तों, कैसे हो क्रिकेट को चाहने वाले मेरे सभी साथी। आशा करता हूं कि आप सब मौज में होंगे। तो आज हम बात करेंगे वुमेन प्रीमियर लीग मैच नंबर 6 के बारे में, जो कि रॉयल चैलेंजर वर्सेस गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमों की स्थिति बहुत ही खराब है। दोनों ही टीमें दो दो मैच हार के खेलने के लिए एक दूसरे में आमने सामने होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइव और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो एंड क्रिकेट के बारे में आपको पूरा बता नहीं पाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है दोस्तों। आरसीबी और गुजरात दोनों की स्थिति बहुत ही खराब है दोस्तों। तो ऐसे में बल्लेबाज है जो कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे में दोनों ही टीमों में से एक टीम का आज खाता खुलेगा, वो भी जीत के साथ में। देखते हैं, या तो आरसीबी जीतती है या फिर गुजरात जीतती है। चलिए उससे पहले हम बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में। स्मृति मंदाना एंड सोफी डोयन दोनों ओपन आती है, दोनों अच्छी शुरुआत करती है, लेकिन इनके जो लास्ट के जो बल्लेबाज है जो कि अच्छा खेल नहीं पाते, अच्छा एंड खत्म नहीं कर पाते मैच को। इनकी लिस्ट में देखी जाए तो पूरे बल्लेबाज काफी दिग्गज प्लेयर है। 11 खिलाड़ियों में 11 के 11 खिलाड़ी बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर है इस टीम के अंदर। कहा जाए तो वैसे कमजोर टीम मान नहीं सकते हम इसको, लेकिन इनका परफॉर्मेंस है जो अभी तक अच्छा नहीं रहा। स्मृति मंदाना एंड सोफी डिवाइन दोनों का प्रदर्शन इस लीग में अच्छा रहा है। दोनों बढ़िया शुरुआत करते हैं, मैच को आगे तक लेके जाते हैं। मिडल ऑर्डर की हम बात करें तो जैसे कि इसमें एदर नाइट है, रिचा घोष है जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है। जो बल्लेबाज है इस लीग में आरसीबी के लिए कुछ खास नहीं कर पाई है। लेकिन आरसीबी की अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो 35 ओवर में इन्हें 317 रन अभी तक दिए हैं, जिनमें से ओनली 3 विकेट इन्होंने लिए हैं। तो इससे आपको पता चलता है कि आरसीबी की गेंदबाजी जो कि है बहुत ही खराब है। सामने वाली टीम है तो इनको गेंदबाजों को बहुत बुरे तरीके से पीटते हैं और इससे उनका स्कोर काफी जाता है। अगर बात करें बल्लेबाजी की तो बल्लेबाजी तो काफी ठीक ठाक है, लेकिन केवल बल्लेबाजी के दम पे ही मैच थोड़ी जीताना चाहता है दोस्तों। गेंदबाजी होना भी इसमें बहुत ही जरूरी है। तो इस मैच में स्मृति मंदाना के साथ सोफी डिवाइन जो कि ओपन करेंगी। फिलेज फेरी तीसरे नंबर पर देखी जाएगी। दिशा कसाट है जो कि बढ़िया खेलती है, वो भी चौथे नंबर पर देखी जाएगी। रिचा घोष विकेट कीपर बल्लेबाज है, पांचवें नंबर पर देखा जाएगा। हैदर नाइट छठे नंबर पर देखा जाएगा। कनिका हाउजा जो कि 7 नंबर पे खेलेंगी। मेगा स्कट 8 नंबर पे खेलेंगी। 9वें नंबर पे श्रेयंका पाटिल खेलेंगी। 10वें नंबर पे प्रीति बोस खेलेंगी। 11वें नंबर पे रेणुका सिंह खेलेंगी। ऐसे में बात करें गुजरात जायंट्स की तो इसमें भी काफी बड़े बड़े प्लेयर हैं, नामचीन प्लेयर हैं, लेकिन इस लीग में खास वो अभी तक कुछ कर नहीं पाए गुजरात जायंट्स के लिए। तो ऐसे में पहले नंबर पे बैत मोनी खेलेंगी, दूसरे नंबर पे शोभिन मेघना खेलेगी, फोर्थ नंबर पे है जो कि अश्ले गार्डन खेलेंगी, 5 नंबर पे सदरलैंड खेलेंगी, 6 नंबर पे डेलिन हेमलता खेलेंगी, 7वें नंबर सुषमा वर्मा खेलेंगी, 8वें नंबर पर स्नेहा राणा खेलेंगी, 9वें नंबर पर तनुजा कंवर दिखेंगी, 10वें नंबर पर किमगर दिखेंगी और 11वें नंबर वांसी जोशी दिखेंगी। पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो मैंने पिछले वीडियो में सारा पिच का विवरण जो भी है जो कुछ दे रखा है, तो आपने अगर नहीं देखा हो तो पिछला वीडियो देख लेना, उसमें पिच का आपको पूरा विवरण मिल जाएगा। फिर भी पिच की जो भी बाउंड्री लेंथ है वो मीडियम है, लाइव मैच हाई स्कोरिंग होगा। अभी 2-3 मैच टोटल इस पिच पे हुए हैं, तो की जो है की स्पिनर एंड फास्ट बॉलर्स को उसमें फायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बल्ले पे अभी बॉल है जो की बिल्कुल बराबर आ रहा है। अगर बात करें हम 2-5 मैच होने के बाद में तो हो सकता है की ये पिच बॉलरों को मदद देगा, लेकिन पारी के लिए यह पिच बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। तो जो टॉस जीतेगा पहले उनके लिए पिच काफी हेल्पफुल रहेगा। गुजरात जायंट्स में जो बैट्समैन है उसकी बात करें तो उनको पहले ही मैच में चोट लग गई थी और वह रिटायर्ड हो गई थी, तो पिछला मैच वह खेल नहीं पाई थी। अगर वो फिट एंड बिल्कुल फिट रहेंगी तो हो सकता है ये मैच आज का खेलेंगी, नहीं तो आपको इसमें इसका चेंजेज दिखेगा। बैट्समैन की जगह कोई और प्लेयर आ सकता है, लेकिन अभी ये बिल्कुल ठीक रहेगी तो इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में दोस्तों एक टीम का जीतना तो इसमें तय है, या तो गुजरात जायंट्स जीतेगा, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीतेगी। फिर इसके बारे में चलो हम बात करते हैं, तो वीडियो आप इसकी मत कीजिए क्योंकि अभी तक इसमें हमको पता चलने वाला है कि कौन सी टीम विन करके जाएगी मैच। तो ऐसे में दोस्तों दोनों टीमें ही एक एक मैच हारी हुई है, तो ऐसे में गुजरात भी अगर जीतती है तो वो भी एक पॉइंट टूल इसके साथ में आगे बढ़ेगी, और उधर आरसीबी जीतती है तो भी इनका खाता खुलेगा। गुजरात जीतो या आरसीबी जीतो, दोनों में से एक का खाता तो फिक्स खुलेगा इस मैच में। लेकिन जो टीम अभी हार जाएगी, जैसे कि जो टीम लॉस कर देगी मैच, तो उनको काफी दिक्कतें हो जाएंगी आगे के लिए, क्योंकि इतना सा टूर्नामेंट में अगर आप इतने 3 मैच लगातार हारते हो, छोटा सा टूर्नामेंट है ये दोस्तों, अगर 2-3 मैच अगर ये हारते हैं तो इनको फिर आगे दिक्कत होगी दोस्तों। तो ऐसे में जो टीम हारेगी वो रहेगी और जो टीम जीतेगी
रहेगी वो आगे बढ़ेगी। सभी आंकड़ों के अनुसार दोस्तों इसमें रॉयल चैलेंजर्स विन होने के फुल चांसेस दिख रहे हैं दोस्तों। वैसे में आप रॉयल चैलेंजर को विन करवा सकते हो दोस्तों। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।